भारतीय जिज्ञासुओं, आज मैं आपके समक्ष शनि ग्रह के संबंध में जो साढ़े साती शनि होता है, जिससे हर जनमानुष में एक भय की व्याप्ति हो जाती है कि साढ़े साती शनि, नाम सुन के ही घबराते हैं, शनि और साढ़े साती, तो व्यक्ति एकदम चिंतित हो जाता है। वास्तविकता यह है कि शनि से कभी घबराना नहीं चाहिए। साढ़े साती शनि राजयोग कारक भी होती है और अधो पतन की ओर भी ले जाता है। शनि से, शनि जैसा ग्रह पूरे नौ ग्रहों में शनि जो है सबसे एक वेदांती, दार्शनिक एवं आध्यात्मिक ग्रह है। शनि व्यक्ति को एक संत बनाने वाला है। जितने भी संत हैं वो शनि प्रधान हैं। शनि उनका अच्छा है। शनि जो है सो पापाचार से दूर रखाता है, एकदम उसको एक सत्य वक्ता बनाता है, और शनि ही उसको जीवन में उत्थान का कारण बनता है। जो लक्षाधीश हैं, पैसे वाले जो बहुत बड़े हैं, वो भी शनि की कृपा से होते हैं, और जो दरिद्र हैं, जो रोड पर बैठे हैं, वो भी शनि की कुप्रभाव के कारण होते हैं। तो शनि बहुत ऊंचा नीचा जीवन बनाने वाला ग्रह है। साढ़े साती की संबंध में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। साढ़े साती क्या है? वस्तुतः यह है, शनि गोचर में एक राशि पर ढाई वर्ष तक रहता है। तो जिस राशि पर शनि चल रहा है उससे ढाई साल आगे की राशि, ढाई साल जिस राशि पर चल रहा है उस राशि पर, और ढाई साल पिछली राशि जिसको वो छोड़ चुका है, तो ढाई 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 करके साढ़े सात हो जाते हैं। तो जिस राशि को छोड़ चुका है उसके पैरों पर होता है, जिस राशि पर चलता है उसके हृदय पर होता है, जिस राशि पर आने वाला है, जाने वाला है, उस राशि के सिर पर होता है। तो इस प्रकार से पैरों का शनि, पैरों से सावधान रखाना चाहिए, क्योंकि वो पैरों को गड़बड़ करता है, गठिया बाह कर दे, पीड़ा कर दे, गांठों में दर्द कर दे, और एक्सीडेंट करा दे, पैर से संबंधित लड़ापन कर दे, ये सब जो है सो जाता हुआ यानी जो पैरों का शनि करता है। और हृदय का शनि हृदय विदारक समाचार सुनाता है, बुजुर्ग माता पिता को कष्टकारक हो जाता है, वृद्धजन को जो है सो अशांति का कारण बनता है, और हृदय विदारक समाचार सुनने को मिलते हैं। और सिर का शनि, शनि जाते समय या आते समय राज लेके जाए या राज दे के जाए, अगर जो शनि खराब है यानी शनि जन्म कुंडली में जैसा होता है तदनुसार साढ़े साती अपना प्रभाव दिखाता है। शनि अगर उच्च कुंडली में, जन्म कुंडली में उच्च राशि का हो, मित्र क्षेत्री हो, स्वयं की राशि का हो, तो साढ़े साती आते ही जो है तो उत्थान करती है, एकदम उन्नति की ओर ले जाता है। शनि अगर कुंडली में शत्रु क्षेत्री है, नीच राशि का है, या शत्रुओं से घिरा हुआ है, तो साढ़े साती आने पर उसको कष्ट शुरू होते हैं। तो अब वर्तमान में शनि जो है सो धनु राशि पर चल रहा है, धनु राशि पर शनि चल रहा है, तो वृश्चिक, धनु और मकर इन तीन राशियों को उसने घेरा डाल रखा है, ऐसे पांच राशियों पर प्रभाव डालता है। अपनी राशि से आठवीं राशि पर और अपनी राशि से चौथी राशि पर अगर शनि गोचर में चल रहा है तो उसको ढैय शनि कहते हैं। तो इस समय मकर, वृषभ राशि और कन्या राशि, इन दोनों राशियों पर ढैया है, और वृश्चिक, धनु और मकर इन तीन राशियों पर साढ़े साती है। अब साढ़े साती जितने भी जो इन तीन राशि वाले हैं सबको ही जो है लगा हुआ है, तो सभी कोई राज्य नहीं भोग रहे हैं कि ये सब जो है सो उन्नति की ओर ले जाएंगे, और सब अधोगति की ओर भी नहीं जा रहे हैं। वे जन्म कुंडली में जैसा स्थान पर शनि होता है, जिस प्रकार से जिस भाव में होता है, उसके अनुसार अच्छे और बुरे फल साढ़े साती के मिलते हैं। तो धनु राशि पे इस समय शनि चल रहा है, तो वृश्चिक राशि के उस ढाई वर्ष तक पैर पर है, और धनु राशि के हृदय पर है, और मकर राशि के ऊपर सिर पर है।
तो वृश्चिक राशि वालों को ये जनवरी 2020 तक ये शनि जो है सो पैरों पर रहेगा, तो तब तक इनको पैरों से सावधान रहना चाहिए। या तो पैरों में दर्द शुरू हो जाए, या वायु पीड़ा हो जाए, या लंगड़ापन हो जाए, या पैरों में चोट चपेट लग जाए, ये कुछ हो सकता है। तो पैरों से सावधान रहना चाहिए ये वृश्चिक राशि वालों को। धनु राशि वालों के हृदय पर है, तो इनको हृदय विदारक समाचार मिलेंगे। वृद्धजन को, माता पिता को कष्ट होगा, और जो है सो उनके कर्म क्षेत्र में सात चीज़ें जो है सो बतलाई गई हैं जो खराब शनि होता है। कंचन, कामनी, कर्ज, कलह, कलेवर और कोर्ट मुकदमा, कोर्ट कचहरी और कर्म क्षेत्र, ये सात प्रकार के कष्टों को देने वाला होता है। पहला तो कंचन यानी पैसे की मारामारी करता है, उठापटक कर देता है, लेन देन में गड़बड़ी कर देता, अपना पैसा मिलता नहीं है और दूसरों का कर्ज डालता। कंचन, कामनी, कामनी यानी पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़े या स्वभाव बिगड़े या फिजिकली दूरियां हो जाए, कहीं ना कहीं पत्नी सुख में व्यवधान डालता है। कंचन, कामनी, कर्ज, कर्ज की मात्रा बढ़ा देता है। जो कभी जीवन में कहीं कर्ज न लेने की जरूरत पड़े, लेकिन साढ़े साथी आने पर कर्ज उसको लेना ही पड़ता है और मिल भी जाता है। मिल इसलिए जाता है, जो कभी ना मिले कि साढ़े साथी में कर्ज इसलिए मिल जाता है कि जिस मद के लिए वो कर्ज लेता है तो उस मद में खर्च ना हो के दूसरी जगह खर्च हो जाता है, और छः महीने बाद उसका जब पैसा ब्याज चुकाना पड़ता है तब उसको नानी याद आने लगती है, इसलिए कष्ट भोगने लगता है, इसलिए वो कर्ज की मात्रा बढ़ने लगती है और ब्याज पे ब्याज बढ़ने लगता है, इसलिए वो ब्याज का कष्ट शुरू हो जाता है। और कर्ज, कलह, कलह यानी टेंशन ज़्यादा इतनी बढ़ जाती है कि रात और दिन नींद हराम हो जाती है। काम ही कर्ज, कलह और कलेवर यानी शरीर स्वास्थ्य में गड़बड़ी पैदा होता, बीपी निश्चित हो जाता है, या शुगर और बीपी का योग इस समय बढ़ ही जाता है, क्योंकि चिंता में के दोनों रोग हैं, ये दोनों रोगों में से कोई एक बढ़ने लगता है। कलह, कलेवर और कोर्ट कचहरी, जो कभी या तो अपन स्वयं किसी के ऊपर कोर्ट कचहरी करते हैं या दूसरा अपने ऊपर कर दे, हैं। और कर्म क्षेत्र को बिगाड़ने वाला होता है। कर्म से जो कर रहे हैं अपन का, जो नौकरी छूट जाए या नौकरी में तबादला हो जाए जिसमें कि अपन को कष्ट हो, इस प्रकार से कर्म क्षेत्र में विषमताएं पैदा करने वाला होता है। और ख़ास करके परिजनों के यानी परिजन अपने वाले जिनको इष्ट मित्र आप मानते हैं, जब खराब समय अनुकूलता मुपगते ही विदु सफले तुमेति बहु साधनता, और प्रतिकूलता मुपगते ही विदु विफल तुमेति बहु साधनता। क्या होता है, जब समय अनुकूल आने लगता है तो उसके जो साधन है वो पहले से अनुकूल शुरू हो जाते हैं, और प्रतिकूल समय आने लगता है तो उसके साधन भी प्रतिकूल दिखने लगते हैं। अगर आपका साढ़े साथी शनि अच्छा आने वाला है या जाने वाला है, साढ़े साथी यानी समय अनुकूल अच्छा आने लगता है तो उसके छः महीना पूर्व से आभास होने लगता है। जिस प्रकार से 6 बजे सुबह सूर्य का उदय होता है लेकिन 5 बजे प्रकाश शुरू हो जाता है, उसी प्रकार से जब साढ़े साथी या ग्रह नक्षत्र दशा जाने लगती है तो उसके अच्छे समय आने लगता है, उसके 6 महीना पहले से उसके असर दिखने लगते हैं। जो कल मिलने वाले थे वो कल बात नहीं कर रहे थे, आज वे स्वयं बात करने के लिए आ जाएंगे। पहले तो आप स्वयं बात करने के लिए आए तो मुँह मोड़ लेते थे, और ख़ास करके अपने परिजन, इष्ट मित्र और अपने परिजनों को, इन सब को जो है सो आप जो है सो शक्ति परीक्षण हो जाता है साढ़े साथी में। वास्तविक शनि साढ़े साथी मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए आता है, वो मनुष्य को जो है सो मनुष्यता का धर्म सिखाने के लिए आता है, अहंकार को नष्ट कर देता है, और जो है सो कर्म क्षेत्र में विषमताएँ, जो बेईमानी और चोरी चपाटी कर रहा था उसको सबको मिटा देता है। यानी इस प्रकार से साढ़े साथी शनि आपको एक ईमानदारी का पाठ पढ़ाने के लिए आता है, आपको धोने के लिए, आप जीवन को एकदम पवित्र करने के लिए साढ़े साथी आता है। मनुष्य कितना ही बलशाली हो, कितना ही पैसे वाला हो, और साढ़े साथी उसको एकदम पतन की ओर ले जाते हैं तो अपने आप को जी हजूरी करने लगता है। भिखारियों के पास
भिक्षा देने के लिए जाते हैं, हम पंडित लोग कहते हैं कि भिखारियों को खाना खिलाओ, वो क्यों कहते हैं, इसलिए कि उनको जाकर के पहचानो साढ़े साथी शनि तुम राजा हो ना, कल तो राजा थे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब भिखारियों के पास जाओ और उनके दर्शन करो। पहले तो भिखारी आपके दर्शनों के दरबार में तरसते थे कि महाराज के दर्शन हो जाएं, लेकिन आज आप जो है सो 2 रुपया देने के लिए भिखारी के पास जा रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, हैं ये सब क्या है, आपकी जो हेकड़ी सब चली जाती है, तो वो हेकड़ी को बुझाने के लिए वो साढ़े साथी आया है, इसलिए उत्तम है। जब साढ़े साथी आता है तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, एक तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए जो मेरा अनुभवशील और अनुभव किया है कि मन के अनुसार कोई काम मत करो, क्योंकि साढ़े साथी में मन जो है आपको अधापतन की ओर विपरीत दिशा में आपको चोरी चमारी के लिए बुरे कर्म के लिए प्रेरित करता है, इसलिए मन जहाँ कहे वहाँ मत जाओ, मन से विपरीत चलो तो साढ़े साथी में आप सुख भोग लेंगे। साढ़े साथी में सत्य बोलना चाहिए, साढ़े साथी जब शनि चला गए और खराब समय लग रहा है तो उस समय हमेशा देव मंदिरों में ब्राह्मण गऊ साधु इन सब का जो है सो सम्मान करो, और एक अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करो, नेत्रों से कोई निर्विकार चीज यानी विकार की चीज ना देखो, नेत्रों से कोई पाप कर्म मत करो। भद्रम शृणुयाम देव भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पसे माँ छभर यहा स्थिर सुष्टुवा गुणस्तनु भिर्वसे देव यतम यदायु। कल्याणकारी शब्द सुनो, कल्याणकारी चीजों को देखो और वाणी से भी कल्याणकारी वचन बोलो तो साढ़े साथी का जो प्रभाव है वो आपका कम होगा। और दूसरा सेवा भाव आपके अंदर, आज समाज की सेवा करो, वृद्ध माता पिता की सेवा करो, और पत्नी से संवाद मत करो, बुरे संवाद मत करो। यत्र नारिया न पूजन्ते नरमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, अपने पत्नी का सम्मान नहीं होता, उस घर में देवता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। इसलिए साढ़े साथी शनि यहाँ पर दारू पीने की इच्छा होती है, दुष्कर्म करने की इच्छा होती है, जब साढ़े साथी खराब होता है तो दारू पीने के वनस्पत आप जो है सो मदिरा पान के शरबत का पान करो, आप भगवत वचनामृतों का पान करो, कहीं कथा श्रवण करो, टीवी में यूट्यूब पे कहीं भी जा करके या कहीं सत्संग चल रहा है सत्संग में बैठ जाया करो, जिससे साढ़े साथी आपका मधुरता से प्रसन्नता से कट जाएगा। और लक्ष्मी का जहाँ तक योग है वो दुरुपयोग मत करो, उसको सही सदुपयोग में लगाओ। इस प्रकार से साढ़े साथी जिनको होती है उनका शुभ अच्छा कल्याण हो जाता है। अगर मेरे वचनानुसार आप चलेंगे तो साढ़े साथी आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं डाल सकेगा। हरिओम।